नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है, और हमारी पकौड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है इसमें। ये देखिए, एक पकौड़ी को हम काट के दिखाएंगे, देखिए कितना नरम कटी है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या ऐड करते हैं और इस कढ़ी को कैसे बनाते हैं। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है एक कटोरी। अब इसमें लस्सी ऐड करूंगी। और इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कढ़ी का बैटर बनकर तैयार है, और इसमें एक भी लम्स नहीं है। ये बहुत ही स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, पकौड़ियों की तैयारी करती हूँ। पकौड़ियों के लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। अभी बेसन में थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। दोस्तों, मुझे अजवाइन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ। और इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। हम इन सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और एक पानी की सहायता से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। हमारा पकौड़ियों का बैटर भी बनकर तैयार है। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डालूँगी। तेल गरम करने के बाद मैंने गैस मीडियम कर ली है, जिससे हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक जाएं, एकदम से जले ना। ये देखिए दोस्तों, मेरी पकौड़ियाँ एक साइड से सिक चुकी हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी एक एक करके। दोस्तों, घर में कभी भी पकौड़ियाँ बनती हैं, पहली बार की पकौड़ियाँ तो ऐसी खाने में चली जाती है। क्योंकि ये स्वाद ही इतनी होती है कि कोई भी रुक नहीं सकता। ये पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं, और मैं इनको भी निकाल लूँगी। मैंने अपनी पकौड़ियों को निकाल लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, क्योंकि कढ़ी के साथ हरी मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें से मैंने जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिया है। ये हो चुकी है, अब मैं इनको निकाल लूंगी। गैस में मैंने बिल्कुल ही धीमी कर रखी है। अब मैं इसमें गर्म में ही थोड़ा सा नमक छिड़क लूँगी और इनको साइड में रख दूँगी। अब मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी, थोड़ी सी हींग। दोस्तों, मेथी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये कड़वी हो जाएगी। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, प्याज डाल लूँगी। ये देखिए, प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, लाल मिर्च पाउडर,
और हल्दी पाउडर। इसमें मैं ये हरी मिर्च भी ऐड करूँगी, थोड़ी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। मेरे मसाले पक चुके हैं, अब मैं इसमें बैटर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। इसमें मैं एक गिलास पानी और ऐड कर लूँगी, क्योंकि इसमें उबाल आता है जब ये गाढ़ी हो जाती है, और पकौड़ियाँ भी हैं, पकौड़ी भी पानी पीने में मास्टर होती है। इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ऐड कर लूँगी, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसे रेगुलर ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लग जाती है। एक उबाल आने के बाद फिर हम इसे थोड़ी मीडियम आंच करके खदकने देंगे। देखो दोस्तों, मेरा बैटर कितना गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल लूँगी बची हुई। ये देखिए दोस्तों, आधे घंटे के बाद मेरी कढ़ी बनकर तैयार है, और ये देखिए ये कितनी स्मूथ है। दोस्तों इस स्टेज पे आके हम इसमें हरा धनिया पत्ती डाल सकते हैं, मगर मेरे बच्चों को हरा धनिया का स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें नहीं डालती। तो ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार है, आप भी खा लीजिए। और दोस्तों इस कढ़ी का मज़ा हम चावल के साथ, पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।